देखिए, हमारे जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उन सभी को पता है कि हमारे चैनल का नाम तो बायस्ड एनालिस्ट है, लेकिन हमारी एनालिसिस बिल्कुल ही अनबायस्ड होती है। अनबायस्ड से मतलब कि हम हमेशा मैच की एनालिसिस करते हैं कि मैच में क्या हुआ और क्या होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज किसी मैच में अगर किसी प्लेयर ने अच्छा किया तो हम उसकी तारीफ करें, और अगले मैच में अगर वो कुछ गड़बड़ करता है तो हम उसका उतना ही क्रिटिसिज्म भी करते हैं, चाहे वो विराट कोहली हो या रोहित शर्मा या कोई और। लेकिन क्या होता है कि जब सीएसके का मैच होता है ना, तो हमारी बायसनेस जो है ना वो एक साइड में हो जाती है, और फिर इस टाइम हम बिल्कुल मैच को ना सीएसके के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो अगर एक ट्रू सीएसके फैन अगर आज के मैच की एनालिसिस करेगा तो किस तरह से करेगा आप देखिए। देखिए, शुरुआत तो जो हुई तो हमारी तो आज किस्मत ही खराब थी। बिल्कुल किस्मत इसलिए खराब थी कि देखिए, आज हमारे जो सबसे बड़ा जो तुरुप का इक्का था हैदराबाद ने उसको ही नहीं खिलाया। कौन? मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल को निकाल दिया उन्होंने टीम से। देखिए, इससे ज्यादा बदकिस्मती आप सीएसके की टीम की क्या हो सकती है। उसके बाद वो नीतीश राणा को भी ले आए। अब देखिए, इसमें हमारे जो वो व्यूअर हैं हिमांशु पाल, लगता है कि उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट कंसल्टेंसी दे रखी है एसआरएच को। वो कल के मैच के पहले ही कह रहे थे कि इसको मयंक अग्रवाल को निकालो और नीतीश रेड्डी को लेके आओ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुकेश चौधरी को भी खिला लो। उसके बाद देखिए, हमारा कप्तान जो है वो टॉस जीत के नहीं दे रहा है। उसकी भी किस्मत इतनी खराब है कि वो टॉस ही नहीं जीतता है। अब आज के मैच में अगर सीएसके टॉस जीत गई होती ना, तो आज बिल्कुल एसआरएच को लिटा दिया होता है इन्होंने। एसआरएच का वही हाल होता जैसा कि मुंबई का हाल हुआ था, क्योंकि ये देखिए पूरा टॉस का खेल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें सीएसके की कोई गलती नहीं है। देखिए आप, उसके बाद क्या है बदकिस्मती का, तो आप ये नजारा देखिए कि हमारा रचिन रविंद्रा बिल्कुल चल नहीं रहा है, पिछले दो मैचेस से नहीं चल रहा। और फिर उसके बाद हमारे कप्तान की देखिए कोई गलती नहीं है, वो हमारे कप्तान का तो गेम ही ऐसा है, वो ऐसा ही खेलता है। मतलब उसका तो ये आप देख लीजिए, जितने भी रन उसने 21 बॉलों में 26 रन बनाए, अब उसको कोई हम कैसे दोष दे सकते हैं, भाई उसका गेम का तरीका ही ये है। तो अब सामने वाली टीम अगर ज्यादा फास्ट खेलती है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये दूसरी बदकिस्मती है हमारी। तीसरी फिर ये है, हैदराबाद को तो मालूम ही था, उन्होंने तो विकेट बनाई है, उनका क्यूरेटर, उनका ग्राउंड, उनका सब कुछ, फिर उनको तो पता था कि मैच में क्या होने वाला है। उन्होंने काली मिट्टी डालने का बोल दिया, अब काली मिट्टी डाल दी उसमें। काली मिट्टी डालने के बाद तो आपको पता है कि वो शुरू के कुछ ओवर जब तक बॉल में थोड़ा सा हार्डनेस रहता है तब तक बॉल आती है थोड़ी बहुत बल्ले पे, और उस टाइम तक क्या है सीएसके के बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि सेट ही होते रहते हैं। मतलब वो सोचते ही नहीं है इस बारे में कि उनको मारना भी है हार्ड बॉल के ऊपर। अब काली मिट्टी तो सभी को पता थी, लेकिन उसके बावजूद सीएसके के बल्लेबाजों का वो तरीका नहीं है। हम लोग थोड़ा तमीज से खेलते हैं, ऐसा नहीं है बदतमीजी से बैटिंग नहीं करते हैं जिस तरह से ये टुल्ले उल्ले मारते हैं आके, ट्रेविस हेड या ये अभिषेक शर्मा, ये कोई तरीका है क्या? ये मतलब बदतमीजी कहते हैं इसको, इस तरह से बैटिंग नहीं। क्रिकेट इज ए जेंटलमैन्स गेम, आपको थोड़ा जेंटलमैनली खेलना चाहिए। ये हमारे सीएसके के जो ओपनर्स हैं ना, वो वैसे ही खेलते हैं। आप देखिए उनको, जब वो आते हैं वे शरीफ लगते हैं एकदम, शराफत से आके खेलते हैं, सीधे बल्ले से सिंगल निकाल देंगे, इधर उधर कर देंगे। ऐसा नहीं कि बदतमीजी से कोई शॉट मार दिया, घुमा दिया बल्ला, आड़ा टेढ़ा लेट के मार दिया, ये सब देखिए क्रिकेट में ये सब नहीं चलता है। अगर आपको बदतमीजी करनी है तो आप बॉक्सिंग का गेम खेलो जाके। ये देखिए मतलब बहुत ही ज्यादा ये बिल्कुल सीधी और सिंपल बात है, ऐसे इस तरह से नहीं चलेगा। ये थोड़ा मतलब लॉर्ड्स में फिर एमसीसी में शिकायत हो जाएगी इस तरह से। ये क्या है आप, मतलब क्रिकेट को आप किस तरह का गुंडागर्दी का खेल बनाना चाहते हो क्या? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से हम तो देखिए क्रिकेट की स्पिरिट और क्रिकेट जिस हिसाब से शुरू किया गया था 1880 से, हम उस तरह का गेम खेलते हैं और हम उसी परंपरा को बना के रखेंगे। ये हमने सोच के रखा है और यही हमारा झंडा है और यही हमने बीड़ा उठाया हुआ है। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये एसआरएच वालों ने इतनी देखिए बेईमानी की है। इनको एक तो पता था पहले से कि विकेट धीमा है और ये विकेट धीमा होने ही वाला है, तो ये इस हिसाब से प्रिपेयर करके आए थे। और जिस तरह से कि वर्ल्ड कप में भी इन्होंने यही किया था, वर्ल्ड कप ये जो इनका कप्तान है जो पैट कमिंस, इसने वर्ल्ड कप में भी इंडिया के साथ यही किया था फाइनल में। बाद में आके धीमे धीमे बॉल करने लगे ये लोग, और मतलब उसके बाद तो देखिए ये धीमी बाउंसर करने लगे, जो कि हम हमेशा कहते हैं कि धीमी बाउंसर करनी चाहिए, लेकिन सीएसके के खिलाफ थोड़ी करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। पुराने विनर्स लोग हैं, 5-5 बार जीते हुए हैं, तो इनको क्यों परेशान कर रहे हो आप? और ये तो बेईमानी है ना, आपको पता है कि विकेट में क्या होने वाला है, धीमी बॉल करने लगे। अब हमारे अजिंक्य रहाणे,
ये अब ऐसे थोड़ी है, ये कोई जाके कोई पावर ट्रेनिंग थोड़ी करते हैं जिम में, एक सिक्स पैक थोड़ी है अजिंक्य रहाणे के पास कि जाके ये बिल्कुल छक्का ही मार देंगे और छक्के पे छक्के मारते चले जाएंगे। इनको थोड़ी सी बॉल में पेस चाहिए। अब पेस चाहिए तो पेस दी नहीं इन लोगों ने, ये गलत बात है। घर पे बुला के जो मेहमान को जो चाहिए आप वो ना परोस के आप वो खिलाओ किसी को जो उसको सामने वाले को पसंद ही नहीं है, तो ये गलत बात है। ये मतलब मेहमान नवाजी के उसूलों के एकदम खिलाफ बात है। ये नहीं करना चाहिए था हैदराबाद को जो कि किया है इन्होंने। अब इस तरह से करके अगर कोई मैच जीत जाए तो देखिए, ये तो मैं कोई बहुत अच्छी बात नहीं कहता हूं, ये ठीक बात नहीं है। आपको मेहमान का ध्यान रखना चाहिए और मेहमान की पसंद की चीजें आपको परोसनी चाहिए। और मतलब हमारे ओपनर तो वो ट्रेडिशनल तरीके से खेलते हैं, वो खेलते रहे, उसके बाद फिर अजिंक्य रहाणे आए। अजिंक्य रहाणे आने के बाद भी वो तो अजिंक्य रहाणे तो टेस्ट प्लेयर है, फिर उसके बाद जब शिवम दुबे आया तो शिवम दुबे ने जरूर थोड़ा बहुत किया, लेकिन फिर तो उसके बाद इन लोगों ने जो स्लो बॉल फेंकनी शुरू की है, जो स्लो बॉल फेंकनी शुरू की है, इन्होंने पेस ही नहीं दी। इनको सब मालूम था। मालूम होने के बाद तो फिर मतलब ये है कि आपको तो एग्जाम में पता है कि क्या आने वाला है, तो आप तो आंसर लिख ही दोगे ना अच्छी तरह से, उसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर क्या, डेरिल मिचेल को भी हमारे थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि डेरिल मिचेल हमारा थोड़ा सा वनडे का प्लेयर है, उसको वनडे में थोड़ा जैसे वो सेट होने के लिए टाइम लेता है, उतनी ही बॉलें उसने ले ली। अब 11 बॉल ले ली उसने, फिर उसके बाद लेकिन पता चला उसको कि अरे ये तो मैच खत्म ही होने वाला, अभी तो ओवर खत्म होने वाले, फिर उसने मारने की कोशिश की तो फिर आउट हो गया वो। अब ऐसा थोड़ी होता है। देखिए ये फर्क है, ये टुल्लों में और सभ्य बल्लेबाज जो होते हैं ना उनमें थोड़ा सा फर्क होता है। तो हम वो स्पिरिट को बनाए रखेंगे सीएसके वाले। आप देखिए मतलब आप खुद ही दिखा सोच लीजिए कि आपको क्या देखना है, गुंडागर्दी देखनी है क्रिकेट के मैदान में या थोड़ा सा सभ्य तरीके का क्रिकेट देखना है। अगर आपको सभ्य क्रिकेट देखना है तभी आप सीएसके का मैच देखिए, अदरवाइज आप कुछ और देखिए, आप WWE देखिए जाके। जब हमारी बॉलिंग शुरू हुई पहले ओवर में ही हमारे मोइन अली भाई ने कैच छोड़ दिया। अब कैच देखिए, कैच वो भी छोड़ क्या दिया, मतलब वो बदकिस्मती से उसके बिल्कुल एकदम मुंह पे ही आ गई बॉल और मुंह बचाने के चक्कर में वो बेचारा गिर गया और इस वजह से वो कैच नहीं पकड़ पाया। वो फिर ट्रेविस हेड, तो आप जानते हैं ट्रेविस हेड भी ऐसा ही है, बदतमीज टाइप का आदमी, उसने मार पीट दिया। और फिर उसके बाद तो अभिषेक शर्मा, अब अभिषेक शर्मा को कौन समझाए कि ये कोई तरीका थोड़ी होता है आपका खेलने का, इस तरह से तो आप इंडियन टीम के दावेदार बन जाओगे, हैं ये क्या बात हुई। फिर दूसरी बात, अभिषेक शर्मा ने जो दूसरा बहुत बड़ा खराब काम किया है, वो बेचारा लड़का मुकेश चौधरी कितने सालों बाद आया वो बॉलिंग करने के लिए और आपने इस तरह से पीट दिया उसको, बेचारे को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। मतलब दो कोई 3-4 साल बाद वो आया है बैटिंग कर बॉलिंग करने और आपने एक ओवर में 27 रन दे दिए उसको। उसको थोड़ा बहुत तो यार मौका दो, बराबरी का मौका देना चाहिए ना, ये क्या वन साइडेड आपने कर दिया। बस उसके बाद तो क्या था, फिर 6 ओवर में ही 78 रन बन गए तो मैच तो खत्म होना ही था। चलिए देखिए, ये तो हो गई मजाक की बात, ये तो हो गया एक ट्रू सीएसके के फैन का एनालिसिस। अब इसके बाद हम बात करें तो अब इसके एक्चुअली मैच में बात करने के लिए कुछ है नहीं। वो मैच अभिषेक शर्मा ने शुरू में ही 12 बॉलों में ही खत्म कर दिया था। अब इसमें क्या किया जा सकता है, देखिए ये बात तो सही है कि अगर सीएसके टॉस जीत के पहले बॉलिंग करती तो शायद SRH का भी वही हाल होता। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही मैच हुआ है जो मुंबई और राजस्थान का हुआ था कि उसमें भी जो टॉस जीत के जिसने पहले बॉलिंग की वो मैच जीत गया। अब इसमें लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सीएसके की कोई गलती नहीं है, सीएसके की गलती ये है कि इनके शुरू के बल्लेबाज कुछ जरूरत से ज्यादा स्लो खेल रहे हैं पहले दोनों मैचेस में। अब पहले जो दिल्ली के अगेंस्ट ये मैच आ रहे थे उसमें तो देखिए सीधी सी बात यह है कि स्विंग बहुत ज्यादा हो रही थी, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हो गया था क्लाइमेट में, तो एक थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे सकते हैं। लेकिन कल के मैच में वो नहीं हम कह सकते क्योंकि इनको थोड़ा फास्ट खेलना चाहिए और ऋतुराज गायकवाड़ को सीरियसली अब सोचना पड़ेगा अपनी स्ट्राइक रेट के बारे में। इस तरह से नहीं चल सकता है, अब 4 मैच हो गए हैं, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। बाकी जो बल्लेबाज जिस तरह से खेल रहे हैं अब इस तरह से ट्रेडिशनली ये नहीं चल पाएगा कि हमारा खेलने का टेम्पलेट ये है, क्योंकि टेम्पलेट अब बहुत जल्दी चेंज हो गया है और अब बहुत ज्यादा फास्ट खेलने लगे हैं लोग और ऋतुराज गायकवाड़ को अब मुश्किल हो जाएगी। अगर ऋतुराज गायकवाड़ को T20 में अपना कुछ फ्यूचर देखना है आगे
तो फिर इसको अपनी स्ट्राइक रेट चेंज करनी पड़ेगी। अब ऐसे काम चलेगा नहीं, और अब मुझे लगता है कि सीएसके को भी हो सकता है कि कुछ आगे सोचना पड़े। हालांकि सीएसके ऐसा करते नहीं है, लेकिन अब ये जितना जल्दी ऋतुराज गायकवाड़ अपनी स्टाइल थोड़ी चेंज करे खेलना, उतना इसके खुद के लिए अच्छा होगा। सीएसके तो देखिए मैनेज कर लेंगे किसी तरह से, टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज ऋतुराज गायकवाड़ है कल नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि सीएसके ने ऐसा अभी आज तक किया नहीं है, क्योंकि अभी तक तो एमएस धोनी ही करते आए हैं। लेकिन इस तरह से काम नहीं चलेगा, बहुत जरूरत से ज्यादा स्लो खेला, और बाद में डेफिनेटली एसआरएच के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और वहां पे इस तरह से रन बनाना मुश्किल था। ये ही अगर सीएसके पहले बॉलिंग कर रही होती तो शायद इन लोगों का भी यही हाल होता। हाँ, यहां पे लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि गड़बड़ इन्होंने ये कर दी कि शुरुआत में देखिए कैच छूटते हैं, मैंने मान लिया, लेकिन फिर भी उस लेवल पे कैच पकड़े जाने चाहिए। और दूसरी बात, यहां पे ऋतुराज गायकवाड़ ने ये गड़बड़ की कि स्लिप में आपने मोइन अली को क्यों लगाया। स्लिप में मोइन अली इज नॉट द स्पेशलिस्ट स्लिप फील्डर, वो स्लिप में फील्डिंग नहीं करता है। जब अजिंक्य रहाणे आपकी टीम में है तो अजिंक्य रहाणे के रहते हुए आपने फिर मोइन अली को क्यों लगाया होगा स्लिप में। तो ये मुझे लगता है कि एक टेक्टिकल मिस्टेक रही ऋतुराज गायकवाड़ की। अब यहां पे देखिए क्या होता है कि जब कुछ अच्छा होता है सीएसके की टीम में तो हम क्रेडिट धोनी को दे देते हैं, जब कुछ खराब होगा तो सारा मलबा जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ के सर पे आएगा। तो हम तो कभी भी ये नहीं कहेंगे ये सब गड़बड़ सीएसके में धोनी ने की, कि अजिंक्य रहाणे को स्लिप में क्यों नहीं लगाया। या फिर मुझे तो ये लगा था कि जब इन्होंने मोइन अली को लिया है और सामने वाली टीम में दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो मोइन अली से क्यों नहीं ओवर करवाए ओपनिंग में या पावर प्ले में। मैं तो ये कहता हूं जिस तरह से अभिषेक शर्मा से इन्होंने शुरुआत करवा दी थी एसआरएच ने, तो ये इन्होंने क्यों नहीं मोइन अली से करवाई। मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने लिया ही उसको इसलिए था कि हम पहले ओवर में ही मोइन अली को देखेंगे। अगर आप लोगों को याद हो, एक बार सीएसके के अगेंस्ट क्रिस गेल खेल रहा था, तो क्रिस गेल जब बैटिंग करने आया, जो उसके पहले वो अच्छा खासा पिटाई कर चुका था पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन क्रिस गेल जैसे ही ओपन करने आया तो सीएसके ने अश्विन से ओपन करवा दिया और पहले ओवर में उसको आउट करके चलता कर दिया। तो मुझे लग रहा था कि आज भी एग्जैक्टली यही होने वाला है कि मोइन अली को लगाएंगी और ये कम से कम एक ट्रेविस हेड को तो आउट कर ही देगा ये, लेकिन हमें तो देखने को ही नहीं मिला। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज की बात थी कि फिर आपने मोइन अली को क्यों खिलाया। मैंने मान लिया कि उसने बाद में विकेट लिए, लेकिन बाद के जो विकेट उसको मिले हैं उसमें बल्लेबाजों की ज्यादा गलती थी बनिस्बत मोइन अली की अच्छी गेंदबाजी के। तो अब ये जब पहले 6 ओवर में ही 78 रन बन गए, फिर तो गेम कुछ बचना ही नहीं था, क्योंकि मॉरली बहुत ज्यादा डाउन हो गए थे ये लोग। यहां मतलब कुछ भी कहिए, जब इस तरह से पिटाई होती है तो अच्छे खासे फील्डिंग टीम के भले कितने ही एक्सपीरियंस प्लेयर्स क्यों ना हो, उन्हें पता है कि अब आस्किंग रेट ज्यादा नहीं है। अब 6 ओवर में 78 रन बन गए तो बाद में आपको कितने रन बनाने हैं, टोटल आपको 167 रन बनाने थे, तो बाकी 14 ओवर में आपको 90-93 रन बनाने हैं, तो वो कौन सी बड़ी बात है। अब तो यहां पर यह बात हो गई थी कि आप किस तरह से इनको गेम को लंबा खींच सकते हो, मैच जीतने का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन एसआरएच ने फिर भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एसआरएच ऐसी टीम है कि ये मतलब इनको इतना आसानी से ये मैच जीतना चाहिए था, मेरे ख्याल से 15 ओवर से ज्यादा इनको लगने नहीं चाहिए थे। आप 9 ओवर में, आप जब 6 ओवर में 78 रन बना चुके हो तो अगले आपको 90 रन कोशिश करनी चाहिए कि आप 10 ओवर में मैक्सिमम बना दो, तो टोटल मिला के 16 ओवर में मैच खत्म होना चाहिए था, लेकिन ये इसको 18-19 ओवर तक ले गए। ये इनकी बहुत बड़ी गलती है, और इसमें सबसे बड़ी गलती तो एडम मार्करम और ये शहबाज अहमद ने की है। आप मतलब देखिए रिवर्स स्वीप क्यों मारना है आपको यार, आप स्पिन हो रही है बॉल, स्पिनर आपको ऑफ स्पिनर कर रहा है, उसका तो वो एक ही प्रोग्राम है, आपको पता है कि विकेट पे बॉल डालेगा वो, लेकिन अच्छा खासा खेलते हुए जब आप सीधे बल्ले से छक्के चौके सब मार रहे हो, आपको रिवर्स स्वीप ही समझ में आता है। और एक बैट्समैन आउट हो गया एडन मार्करम, उसके बाद शाहबाज अहमद ने भी वही गलती की, फिर से वही। और देखिए इसमें धोनी, हमारे धोनी ने ले लिया ना रिव्यू, जबकि बाकी किसी को नहीं लग रहा था, अंपायर तक ने नॉट आउट दिया था, लेकिन धोनी ने ले लिया रिव्यू। धोनी जब रिव्यू लेता है तो मालूम है कि फिर अब बैट्समैन को तो वेट ही नहीं करना चाहिए, चले ही जाना चाहिए उसको, जब तक कि कोई बल्ले से ही ना लगा हो। लेकिन यहां पे सीएसके की थोड़ी कमी नजर आने लगी है बैटिंग में, खासतौर पर शुरू में, और बॉलिंग में तो इनकी बहुत ज्यादा वो है। हाँ,
ये देखिए, ये तो मैं भूल ही गया बताना कि सबसे बड़ी बात तो इनका जो सबसे बड़ी बदकिस्मती हुई कि इनके जो दोनों टॉप बॉलर्स थे पति राणा और मुस्तफिजुर, ये तो बेचारे मतलब थे ही नहीं कल के मैच में। अब जब ये दोनों ही नहीं होंगे जो कि आपके स्ट्राइक बॉलर हैं, तो फिर क्या हो सकता है। अगर आपको याद हो, प्रीव्यू जब हम कर रहे थे इस मैच का, तब हमने यही डिस्कस किया था कि SRH भारी पड़ेगी इनके ऊपर, लेकिन उम्मीद ये है कि पति राणा कुछ कर दे, और अगर ये फास्ट बॉल फेंक के कुछ यॉर्कर में निकाल दे अगर विकेट्स, तो पॉसिबल हो सकता है कुछ। देखिए, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर जो होता है ना, कुछ भी हो उसको खेलना मुश्किल होता है। तो ये मुझे उम्मीद थी कि ये कुछ कर देगा, लेकिन एंड टाइम पे पता चला कि भाई उसकी तरफ मतलब उसको निगल हो गया, वो खेल ही नहीं रहा है। तो फिर तो CSK की बॉलिंग में पता था SRH को कि इसमें कुछ अब पेनिट्रेशन है ही नहीं, बचा कुछा रहा कौन इनके पास, दीपक चहार और वो तुषार देशपांडे। तो अब तुषार देशपांडे तो हमको सबको पता है, और दीपक चहार किसी से छुपा नहीं है, तो आज के मैच में क्या हो सकता था। तो वो रिजल्ट तो मोर और लेस हमको पता ही था कि क्या होने वाला है जब हमारे बॉलर्स ही नहीं है। तो लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत इनको SRH को करना चाहिए था, जिससे नेट रन रेट अपनी बढ़ा लेते, जो कि इन्होंने पॉइंट मिस कर दिया। ये इनको आगे भारी पड़ेगा जब ये इस तरह के स्कोर्स बनते हैं 160 165, और उसमें भी आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया है, तो फिर आपको मैच जल्दी खत्म करना चाहिए। ये चीजों का ध्यान CSK बहुत रखते हैं, और देखिए CSK को पॉइंट्स में यहां पे दूंगा कि इतनी ज्यादा खराब शुरुआत होने के बाद भी इन लोगों ने मैच को काफी लंबा खींचा। तो ये चीज की जो समझ, इस चीज की जो समझ CSK को है, ये बाकी टीमें एग्जिबिट नहीं करती है, तो यही डिफरेंस हो जाता है। अब लेकिन CSK को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना है, टॉप ऑर्डर की स्लो बल्लेबाजी और इनकी गेंदबाजी की कमजोरी, क्योंकि आगे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके टॉप बॉलर जो हैं वो अनफिट हो जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे। यहां पे यही बात है कि इनको जो इन्होंने डेरिल मिचेल और रचिन रविंद्रा के लिए जिस तरह से लड़ाई की थी ऑक्शन में, इस तरह से इनको फास्ट बॉलर्स के लिए भी करनी चाहिए थी। और ये मेरे ख्याल से आगे के सीजन में ये लोग ध्यान रखेंगे कि अब इनको कुछ बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स पकड़ने होंगे। तो वो तो खैर बात की बात है, लेकिन आज का मैच CSK हार गई, हम दुखी हो गए। अब देखिए क्या हुआ आज के मैच में। शुरुआत में तो इन CSK की तरफ से तो खैर शिवम दुबे के अलावा किसी ने रन बनाए नहीं। बॉलिंग इन लोगों ने सबने ऐसी की कि सबको पता था SRH वालों को कि इनको करना क्या है, सबने एक एक विकेट लेके चले गए। कोई बहुत ज्यादा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी की पिटाई भी नहीं हुई, सिवाय मयंक मार्गंडे के और अपने टी नटराजन की थोड़ी सी पिटाई हो गई, और कुछ तो हुआ नहीं। बाकी जब ये लोग बैटिंग करने आए तो उसमें भी एडन मार्करम, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, इन लोगों का तो मालूम था कि कैसे खेलने वाले हैं, वैसे ही वो खेले। हेनरिक क्लासन की बैटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। आखिरी में थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी टेंस होने लगी, तब उसने खत्म कर दिया। बाकी हमारे दीपक चहार की धुलाई हुई 32 रन 3 ओवर में। मुकेश चौधरी के बारे में तो बात करना बेकार है, क्योंकि अब 1 ओवर में पिटाई हो गई। अब देखते हैं अगली बार, इसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी अगर ये अगला मैच खेलता है। जैसा CSK का वो है, वो उसको निकालेंगे तो नई टीम से, लेकिन वो किस तरह से अब कमबैक करता है ये देखना मजेदार होगा। महेश तीक्ष्णा से आज मुझे उम्मीद थी, लेकिन महेश तीक्ष्णा ने कुछ किया नहीं। ये मतलब मुझे लगता है जरूर से ज्यादा शॉर्ट बॉल फेंकता है, इसको थोड़ा आगे फेंकना चाहिए बॉल, तब जाके थोड़ा सा परेशानी होगी। ये देखिए जिस तरह का बॉलर है, जैसे वरुण चक्रवर्ती या सुनील नारायण है और महेश तीक्ष्णा, ये तीनों एक ही तरह के बॉलर हैं, लेकिन महेश तीक्ष्णा शॉर्ट बहुत डालता है बॉल। ये बाकी जो दो हैं कोलकाता वाले, ये लोग आगे बॉल पिच करते हैं, तो वहां बल्लेबाज को परेशानी होती है। तो ये महेश तीक्ष्णा ने गड़बड़ की। तुषार देशपांडे का आखिरी ओवर जो था, अब कोई कह सकता है कि CSK ने उसको क्यों दी बॉलिंग, लेकिन देखिए हो सकता है वो ये इसलिए भी दे रहे हो कि भाई आगे के मैचेस में भी ये सिचुएशन आ सकती है, तो जब आपको आखिरी में अगर रन बचाने हैं तो फिर एक्सपीरियंस तो देना ही पड़ेगा ना। अब आज का मैच तो मालूम था कि हार ही चुके हैं, लेकिन ऐसे में फिर प्रैक्टिस भी ना दे तो फिर वो गलत हो जाती है बात, मैच प्रैक्टिस की बात ही अलग होती है। और फिर मोइन अली ने 3 ओवर में 23 रन दिए, लेकिन यहां मैं फिर से वही कहूंगा कि मोइन अली से पावर प्ले में बॉलिंग करवानी चाहिए थी। ये अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, इन दोनों के सामने इसको करवानी चाहिए थी कि कुछ भी करके तुम भैया स्पिन करो बॉल, और कुछ तो एक चांस दो कि अगर ये लोग मारते हैं तो कुछ एज लगे, कुछ टॉप एज लगे, कुछ मिस हिट हो, तो कुछ तो किया जा सकता है ना। वो चांस CSK ने डेफिनेटली मिस किया है।
राजेंद्र मेंद्रा ने एक ओवर में 3 रन जरूर दिए लेकिन उसके बाद मौका ही नहीं मिला कब बॉल करवाए। अब हालांकि मुझे लगता है कि एक और करवाना चाहिए था, जब राइट हैंडर ये अपना एडन मार्करम खेल रहा था उस टाइम करवाना चाहिए था, एक आध ओवर और देना चाहिए था कि उसको भी आगे के मैचेस के लिए तैयार किया जाए। तो चलिए कुल मिला के ऐसा हो गया, अब क्या कर सकते हैं इसमें। सीएसके तो बहुत बुरी तरह से हार गई, इनके लिए काफी क्वेश्चंस का अब आंसर ढूंढना है। अब टेबल में देखें, टेबल में क्या हुआ है इससे कि टेबल में केकेआर तो खैर पहले ही है नंबर पे, राजस्थान रॉयल्स भी है, सीएसके भी तीसरे पे ही है और एलएसजी भी चौथे पे ही है जो कि ये थे, लेकिन एसआरएच जरूर अब ऊपर आ गई है जो कि पंजाब पहले 5वें नंबर पे थी, जीटी चली गई है 7वें नंबर पे, आरसीबी डीसी और मुंबई जहां होते हैं वहीं है। आज का मैच है आरसीबी और राजस्थान के बीच में। अब यहां पे देखिए आरसीबी को पता है कि मुंबई की क्या हालत हुई है राजस्थान के अगेंस्ट, और अब डेफिनेटली ये लोग सोच रहे होंगे कि भैया किसी तरह से टॉस जीत जाए जिससे हमारी बाद में बैटिंग आ जाए, नहीं तो राजस्थान बहुत बुरी तरीके से इनको निपटा देगी। तो अब देखिए क्या होता है आरसीबी का, लेकिन ये है कि ये टॉस जीते या हारे ये किसी ना किसी तरह से मैच हार ही जाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ये जो एडवांटेज इनको मिलता है टॉस जीत के उसका भी फायदा नहीं उठा पाते, और ये बहुत ज्यादा हेविली डिपेंडेंट है विराट कोहली पे। ये फाफ और अपना टुल्ला मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन, इसको कुछ करना पड़ेगा। ये कैमरून ग्रीन तो कुछ करके ही नहीं दे रहा है, बॉलिंग तो इससे होती नहीं है, बैटिंग इसका चल नहीं रही है बिल्कुल, और मैक्सवेल ने भी रन नहीं बनाए। फाफ डुप्लेसी तो ठीक है, अब मैं कहता हूं ओपनिंग में आता है तो अब उसको तो चांस लेना जरूरी है, तो वो उसके साथ यही, इसीलिए देखिए मैं कहता हूं कि जब आपके अच्छे बल्लेबाज जो होते हैं ना, जो ऊपर आते हैं बैटिंग करने, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर क्या है, रोक के भी वही खेल सकते हैं, गेम को चला भी वही सकते हैं, और अब स्कोर भी उन्हीं को करना है। इस वजह से मैं इस फेवर में नहीं हूं कि विराट कोहली ओपन करने आए, पहले भेज दो आप किसी दूसरे को, कैमरून ग्रीन को भेज दो फाफ डुप्लेसी के साथ, और उसके बाद विराट कोहली को आना चाहिए, तब जाके आरसीबी का डेफिनेटली फेट चेंज होगा, क्योंकि फिर बाद में विराट कोहली गेम चला सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की शुरुआत कैसी मिली है। क्योंकि अगर उसका कैमरून ग्रीन जल्दी आउट हो जाता है तो विराट कोहली आके फिर उसको तो खेलना ही है जैसे खेलना है, या फिर उस टाइम आप एक और किसी दूसरे टुल्ले को भेज सकते हो, आप रजत पाटीदार को भेज दो आप दूसरे नंबर पे अगर पहला विकेट जल्दी गिरता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इनको चेंज करना पड़ेगा। विराट कोहली के ओपन करने से मुझे सबसे बड़ा डर ये लगता है कि वही अगर आउट हो गया फिर तो आरसीबी कहीं की नहीं रहेगी। तो चलिए देखते हैं आज क्या करते हैं आरसीबी, किस तरह का टेक्टिकल चेंज करते हैं या क्या इनकी किस्मत चेंज होती है। मिलेंगे आज के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना द बायस्ड एनालिस्ट, थैंक यू सो मच।